हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि मशरूम और पिक्चर प्लांट, ये दोनों हेटरोट्रॉफ हैं या ऑटोट्रॉफ हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मशरूम की। तो मशरूम हेटरोट्रॉफ होता है, मशरूम ऑटोट्रॉफ नहीं है। ऑटोट्रॉफ होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें फोटोसिंथेसिस हो, और फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट हो। तो मशरूम में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता तो फिर वो ग्रीन कलर का होता। तो मशरूम ऑटोट्रॉफ नहीं है, मशरूम हेटरोट्रॉफ है। मशरूम अपना फूड मटेरियल खुद नहीं बना पाता, बल्कि वो जो प्लांट या एनिमल के जो डेड और डीके पार्ट होते हैं उनसे वो अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है। तो मशरूम हेटरोट्रॉफ होता है। अब आपने जो क्वेश्चन किया है पिक्चर प्लांट के बारे में, तो पिक्चर प्लांट ये ऑटोट्रॉफ होता है। पिक्चर प्लांट ये जो होता है ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है, और फिर ये कार्निवोरस प्लांट है, लेकिन वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उसको डाइजेस्ट करता है, उसको लेता है, इसलिए क्योंकि वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो ग्रीन कलर का होता है, उसमें वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है और इसलिए वो क्या होता है, वो इसलिए वो ऑटोट्रॉफ होता है। तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, अपना फूड मटेरियल खुद बना सकता है, इसलिए पिक्चर प्लांट ऑटोट्रॉफ है। और मशरूम अपना फूड मटेरियल खुद नहीं बना सकता, इसलिए वो हेटरोट्रॉफ है। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि मशरूम और पिक्चर प्लांट के बारे में कि ऑटोट्रॉफ है कि हेटरोट्रॉफ है, तो मशरूम हेटरोट्रॉफ और पिक्चर प्लांट ऑटोट्रॉफ है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।